जय हिंद। देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो विभाजन की प्रक्रिया होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, उसी को आप कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय, या विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय भी कह सकते हैं, या विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। तो जो विभाजकता की जो प्रमेय है वो कौन सी है, क्या कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब इसके अंतर्गत आप क्या सीखेंगे कि इसके अंतर्गत गुणनखंड की एक और विधि सीख सकते हैं। जो गुणनखंड, जैसे दो घात बहुपद हैं, तब तक तो आप आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं कि बीच वाले पद को दो पदों में तोड़ दिया, बीच वाले पद को उसे चेक करने के लिए उसके नियम है कुछ। क्या है नियम, के पहले और अंतिम का गुणा करते हैं, और पहले और अंतिम का गुणा करने के बाद यदि अंतिम चिन्ह धनात्मक है तो जोड़ने पर, अंतिम चिन्ह ऋणात्मक है तो घटाने पर बीच वाला गुणांक प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार से उसके उसे खंडों में विभाजित करते हैं, उसके फैक्टर करते हैं। अब त्रिघाती बहुपद यदि आपको प्राप्त होता है तो कुछ सरल होते हैं जिनके त्रिघाती बहुपद के आप गुणनखंड आसानी से कर भी सकते हैं, और कुछ कठिन है, त्रिघाती हैं या वो चतुर्थघाती हैं, तो उनके फैक्टर करने के लिए एक आपके पास ये भी बहुत अच्छा मेथड है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। यानी किसी एक को हम उसमें पुटअप करके अगर उसका मान शून्य के बराबर हो जाता है, शेषफल शून्य प्राप्त होता है, तो वह उसका एक गुणनखंड होता है। जब गुणनखंड एक प्राप्त हो गया, उसके बाद उसमें भाग दे दिया, जो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग है उसके अनुसार भाग दे दिया, तो भागफल जो प्राप्त हुआ उस भागफल के फिर आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप त्रिघाती बहुपद के फैक्टर कर सकते हैं, चतुर्थघाती बहुपद के फैक्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास ये एक नियम है, कभी कभी एक दो उसके जो शून्यक हैं, शून्यक जिन्हें हमने आपको पहले ही बताया है कि उन्हें मूल भी कहते हैं, उन्हें मान भी कहते हैं, उन्हें शून्यक भी कहते हैं। तो जो यदि कोई द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या चतुर्थघात बहुपद दिया है, उसका एक या दो शून्यक आपको दे दिया जाता है, शेष शून्यक पूछे जाते हैं, तो उसका मान उसी में रखकर शेष शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आप ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया गया है, px बराबर x³ - 3x² + 5x - 3, gx = x² - 2। इस प्रकार से दिया गया है, px में gx का भाग देना है। आप ये पहले भी समझ लें, यदि कोई इस प्रकार से लैंग्वेज लिखी हुई है कि भाग देने की विधि यदि आपको समझ में नहीं आती है, तो कम पावर वाले से अधिक पावर वाले में भाग दिया जाता है, और जो शेषफल प्राप्त होता है, वो भाग वो भाजक से उसकी पावर कम होनी चाहिए शेषफल की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और 1 का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत आपको दिया गया px बराबर, px का मान दिया गया, कितना दिया गया, x³ - 3x² + 5x - 3, gx = x² - 2। ये दिए गए हैं px और gx के मान। हमें gx से px में भाग देना है, तो भाग देने के लिए ऐसा कोई नहीं है कि आप इस तरीके से, चलिए एक हम इस तरीके से कर देते हैं, फिर एक दूसरे तरीके से कर देते हैं। वैसे तो भाग का चिन्ह आप इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से भाग के चिन्ह लगाते हैं, चलिए अभी इस तरीके से लगाते हैं, फिर उसका सिस्टम चेंज कर देंगे, जिससे क्या होता है कि जब बीजीय व्यंजकों का आप भाग देते हैं, तो जैसे जब अंकगणित में चलते हैं तो अंकगणित में तो संख्याएं लिखनी है, डिजिट एक दूसरे से घटाने हैं, आसानी से घट जाते हैं, लेकिन यहाँ जब बीजी व्यंजकों में चल रहा है तो व्यंजक कैसे घटेंगे, जब उनकी पावर समान होगी तब तो वो एक दूसरे से घट सकते हैं। तो जो भाग देने पर जो जिस
पावर का प्राप्त होता है उसे उसी के नीचे लिखते हैं, इसलिए इस तरीके से नहीं, उस तरीके से भी अपना सकते हैं और इस तरीके से भी अपना सकते हैं। तो भाग देना है आपको किसका, एक्स स्क्वायर माइनस टू का भाग देना है किसमें, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, किस तरीके से भाग देना है। अब जो भागफल प्राप्त होगा उसे यहां ऊपर भी लिख सकते हैं, जो भागफल प्राप्त होगा उसे यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों जगह लिख सकते हैं, जहां आप उचित समझें वहां लिख सकते हैं। जब इस प्रकार से आपने चिन्ह लगाए हैं भाग के लिए, विभाजन एल्गोरिथम के लिए, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इसका भाग इसमें देना है, पहले पहले बड़ी बड़ी पावर को चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर का भाग एक्स क्यू में देना है, आप यहां कहीं ऐसे चेक कर सकते हो, एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर का भाग देना, दो घातों से दो घातें कट जाएंगी, एक घात बचेगी। तो ये मत समझना कि दो से तीन कैसे काट दिए, दो से तीन नहीं काट दिए हैं, इसका तो मतलब ये क्या है, एक्स एक्स तीन बार, और इसका मतलब क्या है, एक्स एक्स दो बार, तो दो तो कट जाएंगे केवल एक एक्स बचेगा, तो इसलिए इसे तो पूरा काटा और इसकी केवल पावर काट दी तो एक्स बचा, एक्स बचा अर्थात इसका जब इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक्स बार जाएगा, एक्स बार। अब एक्स का गुणा करके इसके अंदर इसके नीचे लिखते हैं, तो एक्स का गुणा कीजिए, पहले एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक्स क्यू, फिर इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस टू एक्स प्राप्त होगा, जब टू एक्स प्राप्त होगा तो टू एक्स वाले के नीचे ही एक्स वाले के नीचे ही उसे लिखेंगे, ठीक है। अब घटाते हैं, घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल दिए, ये तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, घटाने पर चिन्ह बदले जाते हैं, अब चिन्ह बदल दिए तो माइनस प्लस, नए चिन्हों से मतलब है, पुराने चिन्हों को भूल जाओ, जो नए चिन्ह आपको प्राप्त हुए हैं उन नए चिन्हों से मतलब है किस तरीके से भाग देना है। तो ये एक्स क्यू धन का, ये ऋण का पहला पहला काट दिया, और पहला पहला काटना अति आवश्यक है, कुछ भी करना पड़े पहला कटना ही चाहिए इस विधि में। चलिए क्या बचा, यहां से बचा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और ये प्लस के कितने हो गए, सेवन एक्स माइनस थ्री। अब इसका इसमें भाग देंगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के बराबर है, माइनस थ्री बार जाएगा, माइनस थ्री बार जाएगा, तो माइनस थ्री का गुणा करके और इसके नीचे लिखेंगे, माइनस थ्री का गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे, तो माइनस थ्री का पहले इसके अंतर्गत गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर अब इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का कितना मिल जाएगा, सिक्स। अब ये घटा दिए, घटाने पर चिन्ह चेंज किए जाते, चिन्ह बदल दिए, ये तो कैंसिल हो गए, यहां तो कितना आ गया, सात एक्स, और यहां कितना आ जाएगा, माइनस का नौ, सात एक्स माइनस नौ। अब ये पावर बड़ी है, ये छोटी हो गई, जैसे ही छोटी हो गई तो यही आ गया क्या, शेषफल, शेषफल, शेषफल प्राप्त हो गया, ये प्राप्त क्या हो गया, भागफल, ये क्या है, भाजक, ये क्या है, भाज्य। तो यहां पर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, पी एक्स बराबर जी एक्स गुणित क्यू एक्स धन आर एक्स, जहां क्यू एक्स भागफल तथा आर एक्स शेषफल है। अब यहां तो केवल इतना ही पूछा है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, यदि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय सिद्ध भी करनी हो आपको, यदि सिद्ध भी करनी हो तो यहां पर मान रख के अगर भाज्य के बराबर प्राप्त होता है, इसके बराबर अगर ये प्राप्त हो जाता है तो सिद्ध भी कर सकते हैं। चलिए एक पार्ट को हम सिद्ध कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, पी एक्स का मान तो आपको पता ही है, जी एक्स का मान नोट कीजिए, तो जी एक्स ये दिया है
एक्स स्क्वायर माइनस टू और क्यू एक्स का मान कितना दिया है एक्स माइनस थ्री प्लस आर एक्स का मान कितना दिया है सेवन एक्स माइनस नाइन। तो इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स प्लस सेवन एक्स माइनस नाइन। तो इनका गुणा किया तो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री जो किसके बराबर आ गया पी एक्स के बराबर प्राप्त हो गया। अतः यानी भागफल लिख सकते हैं आप भागफल और भागफल को क्या कहते हैं क्यू एक्स। क्यू एक्स का मान कितना आया एक्स माइनस थ्री जो आपको पूछा गया और क्या पूछा गया शेषफल शेषफल आर एक्स और आर एक्स का जो मान आया वो कितना आया है सेवन एक्स माइनस नाइन। ये दो आपके आंसर हो गए जो आपको डिफाइन करना है कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। उसने कहा विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सिद्ध नहीं करवाया है, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में अगर सिद्ध करने के लिए आता है तो आप इस प्रकार से उसे सिद्ध भी कर सकते हैं क्योंकि इसका मान जो निकाला है तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल ये बराबर बराबर होने चाहिए भाज्य के बराबर ये सभी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये तो फर्स्ट पार्ट तो आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से, चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पी एक्स का मान जो दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। भाग देना है, अब भाग देना है तो आप इस तरीके से भी इसका रूल बना सकते हैं जैसा कि हम कहना चाह रहे थे आपसे कि इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और यहां आपने लिखा एक्स पावर फोर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, भाग देना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का, इस तरीके से इसका इसमें भाग देना है। भाग देना पहले को पहले से देखिए, जब पहले को पहले से देखेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपको कितने बार जाएगा एक्स स्क्वायर बार जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे तो एक्स पावर फोर फिर इसका गुणा इसमें माइनस एक्स क्यू मिलेगा। जब माइनस एक्स क्यू मिलेगा आप बिल्कुल लास्ट में लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यू, फिर इसका जब इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा घटाने पर रेड रेड और ये हो गए धन, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां से कितना आएगा माइनस पहले ये वाला पद लिखिए कितना एक्स क्यू, फिर ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अब इसका इसमें कितने बार जाएगा प्लस एक्स बार जाएगा, प्लस एक्स के बार जाएगा, इसका इसमें इसे देख लो कितना कम है एक एक्स कम है, पहला पद देखा जाता बड़ी घात वाला। और जो व्यंजक लिखते हैं वो हमेशा किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे होंगे अगर तो आप आसानी से पहले पद को देख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, पहले दो घात वाला फिर सिंगल घात वाला फिर बिना घात वाला, इस प्रकार से उसे निकालते हैं। आप यहाँ पर भाग देंगे, जब इसका भाग देंगे तो कितने एक्स बार एक्स का गुणा करके इसके नीचे लिखिए
x का गुणा करेंगे तो पहला क्या मिलेगा, x क्यू मिलेगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर मिलेगा, फिर इसमें करेंगे तो प्लस का x मिलेगा। ये प्राप्त होंगे, जब ये प्राप्त होंगे घटाने पर रेड धन हो जाएगा, ये क्या रेड हो जाएगा, ये फिर कट जाएंगे, धन हो जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस का थ्री एक्स, प्लस का फाइव, अब कितने बार जाएगा, माइनस के थ्री बार जाएगा, माइनस थ्री का गुणा करके लिखिए तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स और माइनस थ्री, अब फिर से चिन्ह चेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, आठ आठ। तो जी आठ जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ आपको, शेषफल, और जो ये प्राप्त हुआ है ये क्या प्राप्त हुआ है, भागफल। विभाजन एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर जी एक्स गुणित क्यू एक्स धन आर एक्स भागफल क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, भागफल हो गया। इसके बाद शेषफल आर एक्स बराबर एट, आंसर। इतना ही छोड़ेंगे, अगर ये सिद्ध भी करना होता, सिद्ध भी करना होता तो फिर यहां से फिर नियम लगाते, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, फिर उसे सॉल्व करेंगे, दोनों साइड कैसी बराबर आनी चाहिए तब वो सॉल्व होगा। थर्ड पार्ट के अंतर्गत दिया गया है पी एक्स का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, एक्स पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और जी एक्स का मान टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी भाग देना है। इसी प्रकार से एक इस तरीके से रेखा खींच ली, एक इस तरीके से रेखा खींच ली, जी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, बड़ी घात वाला पहले छोटी घात वाला बाद में, फिर यहाँ लिखा है एक्स पावर फोर माइनस फाइव एक्स और प्लस सिक्स, पहले पहले पद का गुणा करेंगे तो एक तो माइनस चिन्ह ये रहा, और इसका इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार, क्यों यहाँ कहीं देखे देख लो एक्स पावर चार है ऊपर नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, दो बार घाते कटेंगी तो एक्स स्क्वायर बार जाएगा, नहीं एक्स एक्स चार बार लिख लिए, एक्स एक्स दो बार लिख लिए, दो तो कैंसिल हो गए, दो बचे, तो इसका अब इसमें गुणा करके इसके नीचे पदों को लिखिए, तो इसका जैसे इसमें गुणा करेंगे तो पहला तो क्या आ जाएगा एक्स पावर फोर, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आएगा, अब इसमें एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं, नहीं है तो इसे अलग ले जाओ टू एक्स स्क्वायर, क्यों वो किसी के साथ नहीं घटेगा, वो अलग ही बचेगा, तो माइनस और ये हो गए प्लस, ये तो कैंसिल हो गए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का और ध्यान रखते हैं कि वैसे तो फाइव एक्स यहाँ लिख देना चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ा ये है तो पहले किसे लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर को इसे, फिर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, अब इसका इसमें कितने बार जाएगा, माइनस चिन्ह है केवल और टू, टू है इससे ज्यादा बस, और माइनस तो लगा ही है, टू बार जाएगा, अब दो का गुणा करके लिख लिया तो पहला तो हो गया टू एक्स स्क्वायर, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का कितना होगा चार, तो चार वाला तो चार के ही नीचे, एक्स वाला पद छोड़ दिया, माइनस इससे कोई मतलब तो है नहीं, ये तो है ही नहीं, यहाँ पे पद ही नहीं है, तो चिन्ह क्या बदलेंगे उसका,
तो ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ से कितना आ गया माइनस फाइव एक्स और ये प्लस के कितने हो गए 10। पावर इससे कम हो गई तो बस यही आ गया शेषफल। और जो ये प्राप्त हुआ है ये क्या है भागफल। विभाजन एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर जी एक्स गुणित क्यू एक्स धन आर एक्स भागफल क्यू एक्स बराबर माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस चिन्ह कॉमन आ सकता है। शेषफल आर एक्स बराबर माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। इस प्रकार से ये पहले के पार्ट सभी करने थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो को। तो क्वेश्चन नंबर दो के अंतर्गत क्या लिखा है पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो उसे संतुष्ट करेगा। हालांकि यहां कहा तो कुछ नहीं गया, कहा कुछ नहीं गया, केवल यह कहा गया पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग करके भाग देना है। अब अगर ये इस तरीके से भाग देना है ऐसा तो कहा नहीं, एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग दीजिए। तो आपको इसका एक और मेथड मिल सकता है, यहां से मान निकालिए टी का मान कितना आएगा, टी स्क्वायर बराबर तीन आएगा बराबर जीरो अगर मान ले तो टी स्क्वायर बराबर तीन आएगा, टी बराबर कितना आएगा अंडर रूट तीन आएगा। अगर टी बराबर अंडर रूट तीन इसमें रख दें और अगर पूरा शून्य हो जाता है तो ये इसका एक गुणनखंड है। एक ये भी विधि आपके सामने होगी, ये इसका एक गुणनखंड है। इस तरीके से भी इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल भाग विधि से इन्हें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दो और फर्स्ट पार्ट जो भाग विधि अपनाते रहे हैं उसी से हल करेंगे। तो इसे तो क्या लिख लें, अब भाग विधि डायरेक्ट अपनाना का स्टार्ट कर दीजिए इस तरीके से। यहां तो क्या है टी स्क्वायर माइनस थ्री और यहां क्या है टू टी पे पावर फोर प्लस थ्री टी क्यू माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन्टी माइनस बारह। तो पहले का पहले में भाग देंगे, एक तो दो है और एक कितने बार जाएगा टी स्क्वायर बार जाएगा, दो और दो चार हो जाएंगे। इसका इसमें गुणा करके इसके नीचे लिखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा टू टी पे पावर फोर, जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस सिक्स टी स्क्वायर आएगा, जब स्क्वायर आएगा तो इसके नीचे लिखेंगे सिक्स टी स्क्वायर जो पद है उसे के नीचे माइनस ये हो गया प्लस, यहाँ तो है ही नहीं तो इनके चिन्हों की बात भी मत कीजिए। तो कितना आया पहला थ्री टी क्यू और ये इसमें कितना बचेगा प्लस का कितना बचेगा फोर टी स्क्वायर माइनस नाइन्टी माइनस बारह। अब इसका इसमें देंगे तो एक तो तीन लिखा है और एक टी बार जाएगा क्यों टी ए का देखे तो कितना आएगा थ्री टी क्यू, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के नाइन्टी रेड ये हो जाएगा धन, ये भी कैंसिल हो गए ये भी कैंसिल हो गए, कितना आ गया फोर टी स्क्वायर माइनस के बारह। अब टी स्क्वायर के बराबर है तो कितने बार जाएगा चार बार, चार का भाग दिया इसका फोर टी स्क्वायर और चातियों बारह माइनस के बारह जब घटाने पर रेड धन, ये भी कैंसिल हो गए ये भी कैंसिल हो गए, शेषफल कितना आ गया शून्य आ गया। जैसे ही शेषफल शून्य आया आप कह सकते हैं अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अतः प्रथम बहुपद कौमा द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अगर जीरो आ जाएगा तो गुणनखंड है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो इस तरीके से भाग दे के देखना है। और यहाँ अब इसकी तो आवश्यकता है नहीं कि ये भाजक है ये भागफल है ये शेषफल है, न चेक करना है न कुछ, केवल ये चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है
या नहीं है। आप दूसरा तरीका हमने बताया था आपसे कि जो छोटा वाला फैक्टर होता है उस छोटे वाले फैक्टर से एक्स का मान निकालिए, और अगर एक्स का मान निकालने में आप कामयाब हो जाते हैं तो उस एक्स के मान को बड़े वाले बहुपद में रख दीजिए। अगर रखेंगे बड़ी घात वाले बहुपद में तो यदि वो शून्य हो जाता है तो वो निश्चित रूप से उसका एक बहुपद है, गुणनखंड भी है और वो उसका एक, जैसे वही सिस्टम है कि ये पिता है और ये पुत्र है, ये इसे संतुष्ट करेगा तो हम कह सकते हैं इसी पिता का, ये पुत्र है। सेकंड पार्ट, में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x पावर 4, 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इस प्रकार से दिया गया। तो पहले का पहले में एक तो 3 लिखा है और कितने बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार, इसका गुणा करेंगे 3x पावर 4, फिर इसका इसमें गुणा होगा कितने हो जाएंगे 9 एक्स क्यू हो जाएंगे, फिर इसका लास्ट वाले में करेंगे तो कितना आएगा प्लस 3x स्क्वायर आएगा। घटाने पर रेड 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 नए चिन्हों से मतलब पहला तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ बचा 4x क्यू और ये माइनस के कितने हो गए 10x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 2, अब इसका इसमें देंगे तो माइनस 4 वो तो पहले ही लिख लीजिए, और एक्स स्क्वायर यानी 1x बार जाएगा, गुणा करेंगे इसके तो माइनस 4x क्यू और माइनस 4 क्यू 12x स्क्वायर, फिर इसका इसमें माइनस 4x धन, ये भी धन और ये भी धन, तीनों धन हो जाएंगे, ये कट गए, ये कितने आए प्लस का बचेगा 2x स्क्वायर और यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा 6x प्लस 2, अब इसका इसमें कितने बार जाएगा प्लस के 2 बार, 2 का गुणा किया तो 2x स्क्वायर, फिर इसका इसमें प्लस के 6x और प्लस के 2, जैसे ही घटाएंगे रेड 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 ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना आ गया शून्य आ गया, शून्य आ गया, वही भाषा लिख सकते हैं, अतः प्रथम बहुपद कॉमा द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से जितने भी हो प्रश्न, इस प्रकार से जैसे तीसरा प्रश्न है, कठिन तो है नहीं, इसी प्रकार से दिया गया है बिल्कुल सेम, आप इसे कर सकते हैं, इसे आप स्वयं करेंगे थर्ड पार्ट को, दूसरे का थर्ड पार्ट, जैसा ये फर्स्ट पार्ट था सेकंड पार्ट था सेम वैसा ही कौन सा है थर्ड पार्ट है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं स्वयं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत क्या लिखा है, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यदि इसके दो शून्यक दिए हैं, जैसे समीकरण अगर आप देख रहे हैं, जो व्यंजक देख रहे हैं वो कितना है चतुर्थ घात बहुपद है, चतुर्थ घात बहुपद में दो मूल आपको दिए जा रहे हैं, जब दो मूल दिए जा रहे हैं शेष दो मूल ज्ञात करने हैं, माना शेष दो मूल अल्फा कोमा बीटा है, शेष दो मूल अल्फा कोमा बीटा है, तब एक तो क्या एक मिला एक्स माइनस अल्फा, दूसरा एक्स माइनस बीटा, तीसरा एक्स माइनस ये लिखा है कितना रूट 5/3 और चौथा एक्स प्लस हो जाएगा रूट 5/3 और ये सभी इसके बराबर हैं 3x पावर 4 प्लस
6x³ - 2x² - 10x - 5। यानी जैसे चतुर्थक आती है तो चार बार लिखना, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, इस तरीके से चार बार प्रयोग करना है, चार बार प्रयोग करना है। ये तो वैसा ही रहेगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और ये दोनों वर्गांतर बन गए। तो वर्गांतर का नियम तो ये कहता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो इतना प्राप्त हो जाएगा आपको। इतना प्राप्त होने के बाद ये वैसा ही रहेगा, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। अब जो ये एक फैक्टर प्राप्त हुआ, इसका इसमें हम भाग देंगे, तो भाग देंगे तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर, ऊपर तो लिखा है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5/। अगर तीन लघुत्तम ले लें तो 3 तो यहां मिलेगा कितना, 3x² - 5, और ये जो 3 है ये 3 कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, ये जो 3 है ऊपर पहुंच जाएंगे, अर्थात हमें इसका इसमें भाग देना है, इसका इसमें भाग देना है। तो किस प्रकार से भाग देना है, वही भाग वाली विधि को आप अपनाइए, तो अपनाएंगे उस भाग विधि को। तो क्या लिखा है, 3x² - 5 लिखा है, और यहां लिखा है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। तो पहले का पहले में जैसे ही भाग देंगे तो 3 के 3 तो बराबर है, x² बार जाएगा 3x⁴। जब इसका इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा, -k5x² घटाने पर ऋण, ये क्या हो गया धन, ये तो कैंसिल हो गए, कितना आया 6x³ + 3x² - 10x - 5। अब इसका इसमें जब देंगे तो कितने बार जाएगा, एक दो बार जाएगा, ये 2x बार जाएगा, बस 2x इसका इसमें गुणा किया तो 6x³ इसका इसमें होगा तो -k10x आएगा घटाने पर ऋण, ये धन, तो ये भी कैंसिल, कितना आया 3x² - 5 बचा। अब इसका इसमें भाग दिया तो कितने बार जाएगा, एक बार, तो ये आया 3x² - 5 ऋण और धन, ये भी कैंसिल हो गए, 0 आ गया। अतः आप कह सकते हैं, अतः ये इसका एक गुणनखंड है। अब जब गुणनखंड है तो गुणनखंड के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो भागफल आया, ये भागफल कितना आया, x² + 2x + 1, ये 0 के बराबर, और इसके आपको फैक्टर करना है, यानी ये जो बराबर है वो किसके बराबर है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के बराबर। तो क्या हो जाएगा, x + 1 और x + 1, यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बराबर x + 1 और x + 1, अर्थात अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर -1। जो अन्य दो मूल होंगे वो कितने होंगे, -1 और -1, दो मूल दिए थे और दो मूल कौन कौन से आ गए, -1 और -1। क्यों, समीकरण चतुर्थघात बहुपद है तो उसके मूल भी चार होंगे, दो मूल दिए गए, शेष दो मूल ये आ गए उसके, ठीक है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए आप लास्ट वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो होगा उस वीडियो में, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।